एक तरफ जहां नमामि गंगे परियोजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर गंगा में गिरने वाले सभी नालों की टैपिंग की जा रही है, तो वहीं जल निगम के द्वारा गंगा का पानी घर घर तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी। मगर पाइपलाइन बिछा जाने के वक्त जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी परतें अब खुलती हुई नजर आ रही है, जिसकी एक तस्वीर आज एक बार फिर से कानपुर के किदवई नगर थाने के साकेत नगर इलाके में देखने को मिला, जहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े पाइपलाइन लीकेज हो गई, जिसकी वजह से कुछ देर पहले जिस सड़क पर वाहन फर्राटा भर रहे थे अब वही सड़क गंगा में तब्दील हो चुकी। साकेत नगर का पूरा इलाका गंगा के पानी से जलमग्न हो चुका है, तो वही सड़क मार्ग भी पूरी तरह से बाधित हो चुका। पिछले 3 से 4 घंटे से ये पानी ऐसे ही सड़क पर बहकर नालों में जाकर बर्बाद हो रहा है। सूचना मिलने पर मेयर प्रमिला पांडे मौके पर पहुंची और इसकी जांच करा के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने की बात कही। ऐसे में जल से स्थान हो या जल निगम दोनों ही विभागों पर सवाले निशान तो जरूर खड़े होते हैं। जिस तरह से शहर भर में बिछाई गई गंगा बराज की पाइपलाइन कहीं ना कहीं लीकेज होती है, जिसकी वजह से करोड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है। अगर यही पानी लोगों के घर में पहुंचे तो हजारों लोगों के परिवारों की प्यास और जरूरतों को पूरा कर सकता है। अभी अभी करीब आधा घंटा पहले मेरे पार्षद का फोन गया, यहाँ से अवधेय त्रिपाठी, रचना त्रिपाठी के हस्बैंड का, वो पार्षद है, और बगल का हमारा बिल्लू पार्षद है। यहाँ से फोन गया कि यहाँ लाइन फट गई। ये पहली बार तो लाइन फटी नहीं है, एक बार ये चुन्नीगंज में फटी, एक बार ये क्या कहते हैं कि वहाँ फूलबाग में फटी, एक बार नई सड़क में फटी, तो ये हमारे ख्याल से चौथा चक्कर है। अब ये रात का मामला था, निश्चित तौर पर इसकी मैं पूरी जांच, इस पर तो मैं पूरी तरह जांच कराऊंगी, और किस क्यों फट रही है इसकी तो पता ही लगाना ही पड़ेगा। ये जल निगम का मामला, इससे पहले भी बताया गया था, आईआईटी ने भी इसकी जांच की थी, हाँ। कि इसमें गुणवत्ता में पाइपलाइन को जल निगम की है। देखो बेटा, ये मामला पुराना है, उन्हें क्या कहते हैं 8 वाला मैटर है, बसपा के सरकार में इसका मामला हुआ था, सपा की सरकार में पूरी लाइन बनी, लाइन पड़ी थी पूरे शहर में, और उसके बाद से जब ये जोड़ना चालू करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये गंगा बैराज से इन्होंने कहीं से जोड़ा और जिससे ये हुआ, ठीक है। ये महापौर जी, कहने को तो सिटी स्मार्ट सिटी में तब्दील होने जा रहा है, उसके बाद भी 1 घंटे तक पानी की सप्लाई नहीं रोकी, आखिर इस पर क्या? देखिए, इस पर हमने आपसे पहले ही बता दिया कि निश्चित तौर पर इसके मैं पूरी जानकारी करूंगी और इस पर निश्चित तौर पर जांच। अच्छा, जलकल के जो जीएम है, बराबर उनका फोन अगर मेरे पार्षदों ने फोन किया, जब इन्होंने मेरे को बताया तो हमने नहीं फोन किया, मैं तुरंत वहाँ से चल